हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये जाली वाला डिज़ाइन। ये 12 फंदों के मल्टीपल का डिज़ाइन है। आप अपने प्रोजेक्ट में जब भी फंदे डालेंगे तो 12 के मल्टीपल से लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे, यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे, तो इस तरह से आप लीजिए और उसमें 3 फंदे और ऐड कर लीजिए। 2 फंदे सिलाई के लिए और 1 फंदा हमारा डिज़ाइन को सेट करने के लिए। इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो सही सेट हो जाएगा। ये 8 सलाइयों में ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। 8 सलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक, 8 सलाई, 8 सलाई, इस तरह से 8 सलाई में एक कंप्लीट हो जाता है। फिर दोबारा से आप पहली सलाई से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से ये बनता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। देखिए, हमने आपको बताने के लिए इसमें 12 के मल्टीपल से 24 फंदे हैं, 3 फंदे उसमें और ऐड कर लिए हैं, 2 फंदे सिलाई के लिए और 1 फंदा हमारा डिज़ाइन को सेट करने के लिए। तो हमारे इसमें हो गए हैं 27 फंदे, 27 फंदे हैं इसमें। पहली सिलाई आप बॉर्डर बनाने के बाद में जब स्टार्ट करेंगे तो पहली सिलाई सीधी तरफ से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट रो राइट साइड है, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, 4 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, तो ये 5 फंदे हमारे हो गए साइड में। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों को हम एक साथ, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पर ये इस तरह से लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली बनाएंगे। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पर इस फंदे को हम इस तरह से घुमा लेंगे, फिर पीछे से इस तरह से लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे सीधे बना लिए। वैसे तो हमारा ये डिज़ाइन कितना पूरी सिलाई में रिपीट करना है आपको, 4 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर 2 फंदों का एक फंदा, फिर एक जाली बनानी है, फिर एक सीधा फंदा, फिर एक जाली, फिर 2 फंदों का एक फंदा और 3 फंदे सीधे। तो यही इतने ही, ये में 12 फंदे हैं, इतना ही हमें पैटर्न पूरी सिलाई में रिपीट करना है। तो देखिए, फिर हमने फिर से 4 फंदे सीधे बना लिए। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से आगे से लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, पर इस फंदे को हम इस तरह से घुमा लेंगे, फिर पीछे से लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। बचे हुए 5 फंदे हमारे, इनको हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, सभी फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई में सभी फंदे हैं, उल्टे उल्टे बनाकर हमें कंप्लीट कर लेने हैं। ये जाली वाला फंदा है, इसको आप इस तरह से लेकर बुन लीजिए, इसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुनेंगे। हर बार हमें उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया है,
अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बना लिए। फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, एक जाली बनाएंगे। अब तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बना लिए, फिर से जाली बनाएंगे। फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, पर इस फंदे को हम घुमा लेंगे इस तरह से, और पीछे से बैक साइड से लेते हुए इसको इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से एक जाली बनाएंगे। अब दो फंदों का एक फंदा, पर इस फंदे को हम घुमा लेंगे इस तरह से, और बैक साइड से यानी पीछे से लेते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। बचे हुए चार फंदे इन्हें सीधा बुन लेंगे। तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी सिलाई उल्टी साइड से, यानी फोर्थ रो रॉन्ग साइड, सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। हमारी ये चौथी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गई है। पांचवी सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया। अब इस बार हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, एक जाली बनाएंगे। अब हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, सीधे बना लिए। अब हम एक जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा, पर इस फंदे को घुमाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से दो फंदों का एक फंदा, अब एक जाली बनाएंगे। पांच फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर से एक जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, पर इस फंदे को हम घुमाएंगे और इस तरह से लेते हुए पीछे से दो फंदों का एक फंदा। बचे हुए तीन फंदे इनको हम सीधा बुन लेंगे। सिक्स सिलाई छठी सिलाई है उल्टी तरफ से, यानी सिक्स रो रॉन्ग साइड, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाना है। इस तरह से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सातवीं सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया। हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे। अब हम सात फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे सीधे बना लिए। फिर एक जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, इसको घुमाएंगे और बैक साइड यानी पीछे से लेते हुए दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से दो फंदों का एक फंदा, एक जाली बनाएंगे, सात फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, पर इस फंदे को घुमाकर बैक साइड से लेते हुए
दो फंदों का एक फंदा। अब बचे हुए दो फंदे इनको हम सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड आठवीं सलाई है, एट्थ रो रॉन्ग साइड, सभी फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। ये हमारी आठवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आपको फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, फिर से आप पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे आगे दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।